हेलो गाइज, वेलकम टू माय एसवाई एजुकेशन फॉर्मेशन चैनल। गाइज, टुडे आई एम प्रेजेंट विलियम शेक्सपियर इंग्लिश लिटरेचर के 3 पार्ट लेकर के मैं प्रेजेंट हूँ। जैसा कि 145 की जो सीरीज चल रही है एमसीक्यूज की, प्रीवियस ईयर्स एग्जाम में टीजीटी और पीजीटी में जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उसके कलेक्शन चल रहा है यहाँ पर। तो चलिए मैं इंक्लूड करके बताती हूँ। 28 तक क्वेश्चन मैं कवर कर चुकी थी 2 पार्ट में, अब अधिक से अधिक मोस्टली क्वेश्चन कवर करेंगे 1 पार्ट में। तो आ जाते हैं, हमारा प्रश्न नंबर यहाँ पर है 29। देखेंगे द कैमडी ऑफ ईरर इन एन अडेप्शन ऑफ अ लैटिन कैमडी इन विच, तो यहाँ पे डी ऑप्शन दिस करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे आप देखना चाहेंगे तो पूरा इंक्लूड करके दिया हुआ है, आप इसे भी रीड कर सकते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है। आप ध्यान देते जाएंगे कि ये किस सन में पूछा जा चुका है। तो शेक्सपियर डेडिकेट हिज यूथफुल पोयम वेनिस एंड ऑडियंस एंड लॉरेंस, तो यहां पर बी ऑप्शन दिस करेक्ट हो जाएगा, द यर्ल ऑफ साउथैम्पटन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर यहां पे गाइज है 31 का, कि जूलियस सीजर फॉल्स इन पॉइंट ऑफ टाइम बिटवीन, तो सी ऑप्शन दिस करेक्ट हो जाएगा, द हिस्ट्रीज एंड कैमेडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आप हिस्ट्री यहाँ पे जो दिया है इंक्लूड करके आप देख सकते हैं, इसे भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 का, विलियम शेक्सपियर वाज द थर्ड चाइल्ड ऑफ, तो इनका थर्ड चाइल्ड यहाँ पर था जॉन शेक्सपियर एंड मैरी ऑडेंधा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं गाइज, हमारा क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं ए रहा, ए लाइन दिया हुआ है, तो इन विच अ प्ले शेक्सपियर डू द फाइंड दिस लाइन्स, लाइन यहाँ पर है द देयर असेंट्स नो घोस्ट माई लॉर्ड कम फ्रॉम द ग्रेव्स टू टेल अस दिस, तो ये लाइन हैमलेट की दी हुई है, सी ऑप्शन दिस करेक्ट है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच शेक्सपियर्स ट्रेजडीज कॉल्ड ट्रेजडीज रिफ्लेक्शंस, यहाँ पे हैमलेट से ये भी है और यहाँ पे नीचे दिया हुआ, तो आप इंक्लूड करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 35 का है, कि द ईयरली प्लेस ऑफ शेक्सपियर्स वेयर रिटेंस बिटवीन, किसके बीच में लिखा गया था, तो ये 1590-1595 के बीच में लिखा गया था इनके प्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 36 है, कि इट इज सैड दैट शेक्सपियर्स बेस्ड हिज जूलियस सीजर ऑन सर्टेन इंसिडेंट्स ऑफ हिज एरिया, विच ऑफ दिस इज इट सैड टू बी, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन दिस करेक्ट हो जाएगा, द रिवेलेशन ऑफ द ड्यूक एक्सेस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गाइज बढ़ते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार आप देखते चलेंगे, पीजीटी की 2005 में पूछा है, वॉट कैन वी द बेस्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द कैरेक्टर ऑफ जॉन फॉलेक्स इन शेक्सपियर्स हेनरी, यहाँ पे दिया है IVC। तो गाइज यहाँ पे ए हमारा डी ऑप्शन दिस करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर डू द कैरेक्टर्स वैलेंटमेंट्स एंड कॉर्नेलियस अफियर, तो ये हैमलेट में होते हैं, अफेयर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है 39 का, कि टू विच कैरेक्टर इज शेक्सपियर हैमलेट डज द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शंस अप्लाई, द ए लाइन दिया हुआ है गाइस, तो आप देखेंगे कि द लाइन ट्रेडिशंस वाइजर कश हु मेडल्स हिज वे टू हिज डोम, तो ये हैमलेट की ही लाइन है। तो देखेंगे बार बार हैमलेट से अधिक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो मैं एक हैमलेट पे भी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगी। यहाँ पे देखेंगे देयर रेस्ट इज साइलेंस .. दीज आर द लास्ट वर्ड्स ऑफ बिफोर हिज डेथ इन शेक्सपियर्स, तो ये हैमलेट की लाइन है। यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेम ऑफ द मैकबेथ वाइफ्स इज शेक्सपियरियन प्ले में, तो उसके वाइफ का नाम क्या था, तो आई होप कि आपको इस पता होगा, लेडी मैकबेथ था, और यहाँ पर मैकबेथ में लेडी मैकबेथ था, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, नॉन ऑफ अबाउट इसमें नहीं दिया हुआ है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी